Wow, you're making hair. Wow, nice. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. My regular routine. अभी सब घर फैला हुआ है. अभी हमारे लिए ये टेंडर कोकोनट वाटर निकाला है, पीना पड़ेगा. अब बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई है और बालकनी का हालत देखिए, बारिश बारिश भी हुई है और भी बर्ड्स को ज़्यादा करके खाना देके गया था, उन लोगों ने पूरा गंदा कर दिया है. ये आंटी आ गई हैं, क्लीन हो जाएगा. अर्ली मॉर्निंग यू स्टार्टेड प्लेइंग. Wow, you're making hair. Wow, nice noodles. ऐसे noodles बनता है, बता आपको? But ये मेरा hair है. ये पापा US से लाए थे ना? ये एक toy है जिसको वो खेलती है. मतलब पहले ऐसे ही बाल बाल निकालती है, फिर उसके बाद कट करती है. Wow, small small noodles हो गया. You can use it as a noodle maker also. आओ. ओके हाँ ठीक है, ऐसे ही कलेक्ट करना, फिर सारा डो फिर से रख देना. ठीक है ठीक है. ओके बाय बाय बाय, सी यू टुमारो. टुमारो तो आज बहुत ही क्विक ब्रेकफास्ट बनाया है. यहाँ पे ब्रेड को टोस्ट कर लिया, बटर लगा दिया थोड़ा सा, और इसके साथ ऑमलेट. ये खाएंगे उसके पापा, और गुहू खा रही है पोच, और मैं तो ये गोल वाली जो ब्रेड है ना, ये वाले ब्रेड लूँगी. आज फिश में बनेगा ये कातला फिश. ये चार पीस, छोटे छोटे पीसेस हैं ये, और इसके साथ ये मछली का तेल भी है. इसकी एक अलग रेसिपी बनाऊंगी. थोड़ा सा तेल डाल के ये अनियन फ्राई करेंगे थोड़ा सा. इसमें तेल बिल्कुल कम डाला है, क्योंकि मछली के तेल का अपना तो स्वाद होता ही है, अपना तेल निकलेगा. जब तक कुकिंग चल रही है, साथ में मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, और इसमें थोड़ा सा अरबी बॉईल हो रहा है. इसकी एक अलग फिश की करी बनेगी इसके लिए. ये अनियन फ्राई हो गया. अब इसमें मैं ये जो मछली में तेल में जो सॉल्ट और टर्मरिक दिया हुआ है, इसको इसमें ऐड करूँगी. और इसमें ना पानी वानी कुछ ऐड नहीं करना है, इसको ढक दूँगी मैं थोड़ा. सॉल्ट और टर्मरिक तो दिया ही हुआ है, ये खुद कुक हो जाएगा. फिर मैं इसका एंड रिजल्ट आपको दिखाती हूँ. सूखे चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में. तो ये रोहू फिश की मैं बिल्कुल एक डिफरेंट सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जो मेरी मम्मी पहले बहुत बनाया करती थी. तो जब भी रोहू या कातला का अगर बड़ा बड़ा मछली हो, मतलब वो 3-4 kg का हो, तो उसके जो पीसेस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं. तो ये वाली रेसिपी हम उन पीसेस से बना सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए, मैंने फ़िश को फ्राई नहीं किया है. फ़िश में सॉल्ट और टर्मरिक, फिर थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसके साथ मैं इसको अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी. आप चाहें तो यहाँ मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं, पर मैं मस्टर्ड ऑयल डायरेक्ट कढ़ाई में डालूँगी. तो ये उसके बाद क्या होता है ना, कढ़ाई में तेल और फ़ोरन डाल के मछलियों को स्प्रेड करके तेल के ऊपर दे देते हैं, और ये वो तेल का फ्राई है जो मैं पहले बना रही थी. तो इसके बाद इसको थोड़ा हम कवर करके कुक होने के लिए दे देंगे. तो इससे क्या होता है ना, तेल के ऊपर दे दिया तो वो फ्राई भी होते रहते हैं, और कवर कर लेंगे तो वो कुक भी हो जाता है. तो ऐसा जो लोग मतलब ऐसी रेसिपीज़ नहीं ट्राई करते, उनको लगेगा कि अरे फ़िश फ्राई नहीं किया तो स्मेल रह जाएगा वगैरह, पर ऐसी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि तेल के ऊपर ही हम मछली को सेट कर देते हैं और फिर तब फुल आँच में पकाते हैं, तो वो रॉ स्मेल भी चली जाती है. फाइनली ये भी तैयार हो गया, ये वाली रेसिपी भी तैयार है मेरी गर्मा गर्म.
इसमें मैंने अदरक लहसुन सब कुछ डाला है, अच्छा लगता है खाने में ऐसे। बहुत सारी कुकिंग हो गई आज, बहुत दिनों बाद घर का खाना खाएंगे इसलिए जोश शोश में मैंने बहुत सारा कुछ बना दिया है। अब बस ये बाकी है, ये इसकी करी बनेगी और वो बनेगी अरबी के साथ। अरबी बॉईल कर लिया, अब इसको काटना पड़ेगा, फिर फ्राई करके करी बनेगी। और इसमें कुछ नहीं, नमक हल्दी बस, इस ग्रेवी में कुछ नहीं जाएगा। तो ये है हिल्सा फिश, जिसको हम लोग बंगाल में बोलते हैं इलिश माछ। तो ये जो इलिश माछ होती है ना, ये इसका फ्लेवर इतना स्ट्रांग होता है कि इसके ग्रेवी में मसाले ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, इसमें मैंने सिर्फ सॉल्ट और टर्मरिक ऐड किया है और फोरन में थोड़ा सा निगेला सीड्स। और ये वाले फिश को भी आप इधर थोड़ा सा शैलो फ्राई करके ग्रेवी बना सकते हैं। और ये वाली ग्रेवी में अगर हम वो फ़िश कच्ची डालेंगे, मतलब नमक और हल्दी के साथ डालेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब फ़िश के जो फ्लेवर्स हैं वो और ज़्यादा उभर के आते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी रेसिपी है, एक मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो चलिए अभी फटाफट लंच ख़त्म करके आप लोगों से शाम में मिलते हैं। Who is going for her skating class? Bye, mama. तो कुहू तो गई अभी स्केटिंग के लिए पापा के साथ। और ये मैंने आज सब धूप में डाला था, ये बड़ी होता है ना लोग बंगाली में, ये दाल का होता है, सूखा ड्राइड डम्पलिंग्स टाइप का, करी और फिर और फिश में भी हर चीज़ में यूज़ किया जा सकता है। ये दो तीन तरह का है, तो थोड़ा धूप में डाला था। और ये है एक तरह का दाल जिसको बंगाली में बोलते हैं माशकोलाई दाल। तो इसकी बहुत अच्छी यमी दाल बनती है। तो ये भी मैं बालूरघाट से लेके आई थी अपने ससुराल से, तो ये सब धूप में डाला था आज। और लक्ष्मी पूजा की तैयारी चल रही है अभी, तो मेरा पूजा का सामान सब आ गया है यहाँ पे बंगाली शॉप। आज देखिए मैंने डिनर में क्या स्पेशल बनाया है। ये है एक फ्राइड राइस, बंगाली में हम लोग इसको भात भाजा बोलते हैं। तो ये अच्छे वाले लेफ्ट ओवर राइस नहीं है, मैंने राइस कुक करके उसके बाद बनाया है ये मसाले वाला राइस। और इसमें बना है फिश रिजाला, तो ये है फिश रिजाला। और कुहू के लिए आज मैं बना रही हूँ बीटरूट पूरी, मतलब बीटरूट को इसमें मिक्सी में ग्राइंड करके आटे में मिक्स करके बीटरूट पूरी, और वो खाएगी ये मटन के साथ। उसके लिए थोड़ा सा मटन रखा हुआ है, तो वो मटन के साथ खाएगी। तो यही आज डिनर में बन रहा है, हम दोनों ये खाएंगे, कुहू खाएगी पूरी। और ये हो गया कुहू का थाली रेडी, बीटरूट पूरी और साथ में वो खाएगी थोड़ा सा मटन।